बिना कोई और समय अदा किए स्टार्ट करेंगे हमारा ये इंडिया अफगानिस्तान एट द केंसिंगटन ओवल हमारी दिन प्रिडिक्शन इंडिया की तरफ बट मैं कहूंगा कि एक स्ट्रेट फॉरवर्ड गेम गेम भी ना हो क्योंकि इफ देयर इज एनीथिंग फॉर स्पिन इन द तो अफगानिस्तान के स्पिनर्स यहां पे आएंगे मुकाबले में तो उस बात का ध्यान रखिएगा कि स्ट्रेट फॉरवर्ड गेम तो आप नहीं कह सकते एक्सचेंज पे साइन अप नहीं किया तो कर लीजिए एंड जैसे मैंने कहा इस गेम से हम स्टार्ट करेंगे स्मॉल लीग इन्वेस्टमेंट बैक इन द वर्ल्ड कप यहां से आप गेम्स हो, रहे हैं, हो सकते हैं कि अच्छे खासे मुकाबले यहाँ पे आप आपको देखने को मिले अब उसके अलावा अगर आपने इन्वेस्टमेंट लीड अबोर्ड में पार्टिसिपेट नहीं किया माय मास्ट लेवन पे तो अभी के अभी जाके कर लीजिए क्योंकि कुछ अच्छे खासे प्राइजेस हैं ना आपको खाली जाके लीग ज्वाइन करनी है इन्वेस्टमेंट जो आपकी Uh, क्या बोलते हैं एंट्री फी है fear, वो भी लेसर है देन योर अदर लीडिंग एप्स तो अच्छा खासा मौका है अभी जाके साइन अप करिए ऐप का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक्सचेंज ट्रेंडो पे भी नो लॉस लीग चल रही है अब तक आप वो मिनिमम फिफ्टीन मैचेस की एलिजिबिलिटी हिट कर सकते हो एंड अपू ट्वेंटी फाइव थाउजेंड तक आपका लॉस कवर है तो अभी जाके ज्वाइन कर लीजिए एंड चलते हैं द टैक्टिकल कॉर्नर फॉर दिस गेम दो जो की फेजेज हो सकते हैं एक जो है लेफ्ट आर्म पेज ऑफ फजल वर्सेस वर्सेज विराट एंड रोहित इनका जो पास रिकॉर्ड है वर्सेज विराट एंड रोहित अच्छा नहीं है बट यहाँ पे अगर आप इन्हें कुछ भी हेल्प मिली बैक इन द गेम डोमिनेंट इंडियन मिडल ऑर्डर है हमारी वर्सेस अफगानिस्तान की वो स्पिन ट्रेव जो मिडल ओवर में यहाँ अपनी ज्यादातर बॉलिंग करती है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फेज रहेगा या तो बहुत सारे रन देखोगे बहुत सारे विकेट तो ये जो दो की फेजेज है गेम डिसाइड करेंगे क्योंकि इंडिया अगर एक अच्छा खासा स्कोर सेटअप कर लेती है तो आई थिंक सो अफगानिस्तान वही अंडर प्रेशर आ जाएगी क्योंकि उनकी मेन स्ट्रेंथ उनकी बोलिंग है तो आई थिंक मेरे हिसाब से यही होगा कि वो चाहेंगे कि पहले वो आके थोड़ा सा स्कोर अपना सेटअप कर ले एंड फिर डिफेंड करने की कोशिश वो करें सो लेट्स सी कैसा जाता है ये मुकाबला एट द रेट फैंटेसी क्रिक प्रो ऑन ट्विटर एंड टेलीग्राम फाइनल टीम्स अपडेट्स आपको वहीं पे मिलेंगी एंड अगर आप नए हो वीडियोस पे तो बेल आइकन जरूर हिट करिए आगे की वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको आते रहेंगे एंड लाइक कॉमेंट शेयर जरूर करिएगा ताकि ये कॉन्टेंट और लोगों तक पहुंच पाए और हम और ऐसा प्यारा कॉन्टेंट आपके लिए बनाते रहें वेदर रिपोर्ट क्लियर है अभी के लिए इस मुकाबले के लिए एक दो दिन बाद कुछ क्लाउड्स है होपफुली जल्दी न आ जाए बट अभी के लिए क्लियर वेदर फॉर दिस गेम यहाँ पे भी एक और बैलेंस ट्रैक है एक 160 170 टाइप ऑफ विकेट है अब तक कुछ खास नहीं देखा हमने स्पिनर्स के लिए बट जैसे गेम्स प्रोग्रेस होते जाएंगे पिचेस में भी थोड़ी और ड्राई होती जाए तो उस बात का ध्यान रखिए पिच रिपोर्ट ध्यान से सुनिएगा अगर कहते हैं पिच थोड़ी और ड्राई है तो पॉसिबिलिटी है कि स्पिन को वहां पे थोड़ी सी हेल्प मिले ब्रीज भी यहाँ पे एक फैक्टर है जो पेसर्स को जनरली मदद करती है यहाँ पे डिसेंट अमाउंट ऑफ बाउंस है एक बाउंड्री काफी शॉर्ट है फिफ्टी एट मीटर सिर्फ एक साइड पे एंड जो स्ट्रेट बाउंड्रीज है एक साइड पे सिक्सटी एंड फिफ्टी थ्री मीटर्स तो वो बाउंड्रीज काफी शॉर्ट है एंड आई थिंक एक बैलेंस विकेट वन सिक्सटी टाइप ऑफ विकेट ये होना चाहिए

अफगानिस्तान एंड बाबेडोस ये दो मैचेस खेल चुके हैं इन 2000 एंड 2010 में 84 फोर रन जहां मुझे जहां तक मुझे याद है एक मैच में जीरो था एक मैच में 84 था तो वो काफी इंटरेस्टिंग वहां पे एक रिकॉर्ड एंड जैसे मैंने कहा लेफ्ट आर्म पेसेस का वो थ्रेड रहेगा ही तो स्टार्टिंग में लेट्स सी फजल अक फरूकी क्या करते हैं विद विराट एंड रोहित क्योंकि अगर वो फेज निकाल के खेल आई थिंक बहुत सारे ये दोनों आपके लिए टॉप कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी चॉइसेस बन के आएंगे वर्सेस अफगानिस्तान दोनों का रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है एक तरफ सिक्सटी फाइव की एवरेज विध रोहित दूसरी तरफ सिक्सटी सेवन की एवरेज विथ विराट सिर्फ विराट के लिए अब तक एक भी पारी नहीं आई इन दिस वर्ल्ड कप सो होपफुली आई थिंक ये गेम हो सकता है कि वो क्योंकि पे बैटिंग कंडीशन काफी बेहतर है सो so होपफुली ये गेम में वो आपको बड़ी नॉक देखने को मिले ऋषभ पंत की बात की जाए तो टू मैचेस 47 सेवन रन एंड थोड़ा सा राशिद के सामने आईपीएल में उन्होंने रन भी मारे आउट भी हुए सो लेट्स काफी इंटरेस्टिंग बैटल होनी चाहिए बट अफको एक स्टेट फोर्ड पे कीपिंग वैल्यू भी आपको मिलेगी सूर्य कुमार यादव अभी के लिए टीम में रहेंगे राशिद को अच्छा खासा खेलता है तो वह सूर्य कुमार यादव एक्सटी एट बहुत ही आईपीएल अगेंस्ट है एंड एक भी बार आउट नहीं हुआ अब तक सो आई थिंक अगर कोई राशिद को अच्छा खेलता है वो यही है बट सिर्फ एक बात है क्योंकि हम टॉप थ्री से बहुत सारे रन एक्सपेक्ट करें इन्हें कितना मौका मिलेगा दैट विल बी एन अदर की क्वेश्चन शिवम दुबे चार मैच में एक सौ चौबीस रन एंड तीन विकेट होते अफगानिस्तान क्या पता आज फिर से बॉल मिल जाए इन्हें बट प्रॉब्लम इनके साथ यही रहेगी कि थोड़ा सा लो आएंगे एंड प्लस इनकी बोलिंग कोटा की कोई भी सर्टिनि नहीं है सो दैट विल बी अ प्रॉब्लम पॉइंट टू पिक हिम डायरेक्टली बट आई थिंक ये विले सूट करनी चाहिए एंड ज्यादा पे देख सकते हैं आप इनसे मे बी इस मुकाबले में नहीं बट आई थिंक सुपर एट्स में काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे लिए हार्दिक पांड्या वन मैच थर्टी फाइव रन इन अगेंस्ट दिस टीम वो भी काफी आतिशी रही थी आई थिंक दो सौ के ऊपर से स्ट्राइक रेट से खेले उस मुकाबले में सो so ये भी होंगे एक टॉप कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी चॉइस इस मुकाबले में उसके अलावा रविंद्र जडेजा दो मैच में दो विकेट्स वर्सेस अफगानिस्तान एंड बाबेडोस दो मैच में एक ही विकेट वापस ये वो 2010 का रिकॉर्ड है नौ रन ही मारे इन्होंने यहाँ पे एंड जहां तक मुझे याद है वो दो मैचेस में काफी मार भी खाई विद दो बॉल 16 की 16 की इकोनॉमी अब तक आपने कुछ खास नहीं देखा इन दिस वर्ल्ड कप बट अगर कोई फेज के लिए ने पिक किया गया वो है वेस्ट इंडीज लेग के लिए शिवम दुबे रविंद्र जडेजा अक्षर पटेल ये थ्री प्लेयर्स इन वेस्ट इंडीज लेग हमारे लिए की रह सकते हैं एंड सामने वाले टीम में बहुत सारे राइट हैंडर्स हमने देखा है गुरबाज जतरान काफी प्लेयर्स ऐसे हैं जो लेफ्ट आर्म स्पिन के सामने भी थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं सो आई थिंक रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल दोनों को मैं एक में ही मिला के कहूंगा कि इंपॉर्टेंट रहेंगे तीन मैच में चार विकेट्स अक्षर पटेल के भी एंड मैचअप्स भी काफी ठीक ठाक ज्यादातर एक 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 डिसमें ही है बट काफी इकोनॉमिकली उन्होंने डाला इनके सामने कुलदीप यादव ये खेलते हैं तो एक अगले मुकाबले में बट वर्ल्ड कप में इनका कुछ तो रोल आए गई मोहम्मद सिराज नॉट इन सॉर्ट ऑफ फॉर्म आई थिंक वर्सेज पाकिस्तान एक अच्छी स्पेल डाली पहले तीन ओवर अच्छे थे लास्ट ओवर इतना खास नहीं गया अब तक नहीं खेले वर्सेज अफगानिस्तान ना एट बाबेडोस बट मेरे हिसाब से आई थिंक एक ठीक ठाक पिक बन के आ सकते हैं अरजदीप सिंह चार मैच में पांच विकेट एंड ये भी परेशान करेंगे विथ इज लेफ्ट विध अगेंस्ट रमन गुरपास एंड अगेंस्ट इब्राहिम जदरान सो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा बेस्ड ऑन ये एक पिक रहेंगे बट आई थिंक अभी के लिए ये भी टीम में रहेंगे बिकॉज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अफगानिस्तान ऑर्डर के साथ अगर टॉप टू अगर अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप नहीं देते हैं तो हमने बहुत बार देखा है कि ये कोलैप्स कर जाते हैं तो हरदीप सिंह एंड पेसर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे जसप्रीत बुमराह के बारे में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है आई थिंक कोई किसी की गारंटी है चार ओवर डालने की तो आई थिंक ऑलमोस्ट जसप्रीत उस कैटेगरी में फिट आते हैं एक मैच में एक विकेट वर्सेज अफगानिस्तान

Uh, to specially क्योंकि आपको value भी के जाएंगे। उनके जो सेफर वजन है वो इब्राहिम चार मैच में वन फोर्टी रन काफी अच्छा रिकॉर्ड इनका वसुद इंडिया प्लस ये थोड़ा स्टार्टिंग में अपना समय लेके खेलते हैं तो वो हिसाब से आपको फैंटेसी वैल्यू इनसे अच्छी मिल जाती है अगर आप मुझसे पूछते कि अगर अफगानिस्तान से एक ही बैटर लेना है तो किसे लेंगे तो मैं कहता की आप इब्राहिम जदरान को लेकर जाइए क्योंकि आप ये जो रिस्क मीटर देख रहे हो नीचे ये अब यहाँ से सिर्फ ऊंचाई जाता जाएगा सिर्फ इब्राहिम इब्राहिमान उस कैटेगरी में यहाँ पे आते हैं गुलबदीन नायब बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड वर्सेस इंडिया फाइव मैचेस 162 एक विकेट याद रखिए कि अगर दूसरे बोलर्स का दिन अच्छा नहीं जाता तो विद द बॉल भी नहीं लाया जा सकता है एंड पहली बॉलिंग में क्या पता डेथ में भी ओवर्स कर जाए लास्ट गेम में भी हमने देखा है एंड में आके दो विकेट वो लेकर गए तो ठीक ठाक पिक है वन डाउन बैटिंग भी करते हैं सो गुड पिक बट प्रॉब्लम क्या है अफगानिस्तान में नो बॉलिंग ऑप्शन है

सिक्स मैचेस में सिक्सटी थ्री रन एंड करेक्शन मेरे लिए कि आठ बोलिंग ऑप्शन है अफगानिस्तान में नौ ना कि नौ क्योंकि ये भी बोलिंग नहीं करते इनका फॉर्म कुछ खास नहीं डाउन दी ऑर्डर आके हिटिंग करते हैं प्योर ग्रैंड लीग पे अगर आपको लग रहा है तीन चार विकेट जल्दी गिर जाएंगे अजमतुल्ला उमरजाई फोर मैचेस थर्टी टू रन एंड टू विकेट्स ये ज्यादातर डालते हैं पावर प्ले में उसके बाद आप ज्यादा इन्हें देखते नहीं तो अगर आपको लग रहा है रोहित या विराट में से कोई एक जल्दी आउट होगा तो ही आप अजमतुल्लाह को लीजिएगा क्योंकि बैटिंग रोल के हिसाब से आप ले सकते हैं बट बॉलिंग के हिसाब से अगर आपको नहीं लग रहा कि पावर प्ले में विकेट गिरेगा तो बॉल से तो आप इनसे एफिशियंसी कम ही एक्सपेक्ट करिएगा फिर है राशिद खान इंटरेस्टिंग कोई भी विकेट्स नहीं लिए वर्सेस इंडिया एट बाबेडो अच्छा किया इन्होंने टी ट्वेंटी खेली पे टी ट्वेंटी सीपीएल की एक मैच में तीन विकेट्स वहां पे लेकर गए थे बट ऑफ कोर्स क्लास प्लेयर है आप टीम से छोड़ तो इन्हें बिल्कुल भी नहीं सकते आपने अगर आपको याद है वो ओडीआई वर्ल्ड कप का गेम वहां पे भी विकेट्स गिर नहीं रहे थे स्टार्टिंग में रोहित ने बहुत बड़ी पारी भी खेली थी फिर आके कहीं ना कहीं से इन्होंने एक दो विकेट वहां भी निकाल लिए थे नूर अहमद एक मैच में कोई भी विकेट्स नहीं वो इंडिया मैं कहूंगा अगर ये सेकंड बॉलिंग करें आप फिर भी जीएल में ट्राई करेगा इन्हें एज अगर एक हाफ डिसेंट स्कोर भी है तो ये बिल्कुल फाइट कर सकता है विद द फजल अख फरूकी वाइल अगेंस्ट इंडिया इनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा तीन मैच में सिर्फ एक विकेट इनका जो फॉर्म है चार मैच में बारह विकेट याद रखिए इनका जो एंगल है लेफ्ट आर्म पेस का वो स्टार्टिंग में बिल्कुल परेशान कर सकता है फॉर विराट एंड रोहित तो ग्रैंड लीग में अगर आप विराट रोहित को कोई टीम से ड्रॉप कर रहे हो तो वहां पे आप किसको बैक करोगे किस को सेम रिकॉर्ड तीन मैच में बैक विकेट वर्सेज इंडिया इनके भी मैचअप कुछ खास नहीं बट पहले बोलिंग करते हैं तो इन देथ, इन द डेथ यही डालेंगे तो वहां पे आपको वैल्यू इनसे मिल सकती है तो अब समझ गए ऑल इन ऑल की कौन से सीनारियोज में आप कौन से प्लेयर्स को बैक कर सकते हो अब बनाते हैं हमारी आज की टीम फिर डिस्कस कर सो टाइम फॉर आप फैंटेसी टीम एंड स्टार्ट करेंगे विद कीपिंग सेक्शन यहां से आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड पिक होंगे ऋषभ पंत रेमनला गुरबास को भी आप कंसीडर कर सकते हो बैटिंग सेक्शन में से विराट एंड रोहित वापस स्ट्रेट फॉरवर्ड पिक सूर्य कुमार यादव भी एक अच्छे पिक है आफ्टर पिकिंग द रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स कॉल लेंगे पिक किया जाए नहीं हार्दिक पांडे अक्षर पटेल एंड रविंद्र जडेजा जैसे मैंने कहा सामने वाली टीम में बहुत सारे राइट हैंडर्स तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जडेजा एंड अक्षर का रोल यहाँ पे काफी बढ़ जाएगा एंड बोलिंग सेक्शन में जसप्रीत बुमराह एंड अर्शदीप सिंह होंगे मेरे लॉक पिक्स अलोंग विद राशिद खान तो तोल ये जो नौ प्लेयर्स हैं आई थिंक आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे अब ये जो बाकी के दो स्लॉट्स है आप कैसे भरोगे अगर आपको थोड़ा सा सेफ जाना है ना आपको लग रहा है कि विकेट्स जाएंगे अफगानिस्तान के सारे के सारे दस विकेट तो उस सिचुएशन में सिराज थोड़े से यहाँ पे सेफ पिक बन जाते हैं उसके अलावा इफ अफगानिस्तान बोल्स फर्स्ट यू कैन गो विथ नवीन उलक एंड अगर आपको लग रहा है बहुत सारे रन बनेंगे फ्रेंडली बैटिंग कंडीशन तो वो केस में आप जा सकते हो विद सूर्य कुमार यादव तो दैट विल बी अ कॉल टू टेक बेस्ड ऑन द टॉस एंड बेस्ड ऑन द पिच कंडीशन अभी के लिए ये ये रही मेरी कॉम्बिनेशन कैप्टन वाइस कैप्टन की बात की जाए उससे पहले आप इंश्योर करें कि प्रिडिक्ट करें कमेंट्स में आपको क्या लगता है कि इतने रन मारेंगे आज शिवम दुबे क्योंकि हमारे बेस टीम में नहीं है तो आपके प्रिडिक्शन सुनना चाहूंगा कि क्या आपको लग रहा है आ जाके इम्पैक्ट कर सकते हैं क्योंकि स्पिन के एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं तो पॉसिबिलिटी है कि वो आके यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रन कर जाए उसके अलावा रिमेम्बर अब बनाते हैं हमारे कैप्टन कैप्टन एंड वाइस अभी के लिए मेरे कैप्टनशी पिक होंगे हार्दिक पांड्या इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे विद बैट एंड बॉल उसके अलावा आपको सेफ जाना है जसप्रीत बुमराह विल बी एन एक्सिलेंट वाइस कैप्टनसी चॉइस बहुत ही अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं जिस तरीके की लाइन एंड लाइन डाल रहे हैं ही विल ट्रेवल अफगानिस्तान बैटिंग लाइनअप गिव अवे नहीं ज्वाइन किया तो अभी अभी कर लीजिए क्योंकि अभी ये अभी भी ओपन है एंड बहुत सारे स्पॉट्स अवेलेबल हैं मैंने अभी आपके साथ ही गिव अवे ज्वाइन कर लिया तो ये रहे हमारे आज के पिक्स कुछ इंटरेस्टिंग मैचअप्स की बात की जाए यहाँ पे तो रोहित वर्सेज हार्दिक रोहित वर्सेज राशिदर एक इम्पॉर्टेंट मैचअप होगा फिफ्टी uh, फाइव और फोर्टी चार बार आउट हुए रोहित राशिद को सो लेट्स सी कैसा जाता है वो मैचअप एंड हार्दिक भी दो बार आउट हुए हैं स्ट्राइक रेट उनका और भी यहाँ पे कंसर्निंग तो अगर आपको लग रहा है कि हार्दिक ज्यादा ओवर्स नहीं डालेंगे विद द बैट राशिद के सामने स्ट्रगल करेंगे तो बुमराह एक और सेफ कैप्टनसी चॉइस बन के आते हैं हमारे लो सिलेक्ट आज गोलबदी नए स्पेशली बोलिंग फर्स्ट बोलिंग सेकंड अक्षर जड्डू नूर तीनों लो सिलेक्ट पिक्स हैं बट इंपॉर्टेंट बनेंगे इस मुकाबले में हाई सेलेक्ट ड्रॉपरस बॉम ग स्पेशली क्योंकि उनका बुमराह के सामने रिकॉर्ड इतना खास नहीं वाइल्ड वो ओडिया रिकॉर्ड है मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी वो इम्पैक्ट बन सकता है जिस तरीके के एंगल्स बुमराह यूज करते हैं बैटिंग फर्स्ट बोलिंग सेकंड जड्डू एंड नूर होंगे इंपॉर्टेंट बैटिंग सेकेंड बोलिंग फर्स्ट अर्शदीप एंड दोनों सिनारी में यहाँ पे आप देखेंगे विराट बुमराह राशिद एंड रोहित बनेंगे इंपॉर्टेंट चॉइसिस अब समाजते हैं हमारे एक्सचेंज ट्रेंडू के कॉन्सेप्ट की की पिक्स हो सकते हैं इस मुकाबले में बिफोर भी क्लोज द प्रिव्यू तो बात करें पहले अफगानिस्तान साइड की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ इंटरेस्टिंग पिक्स एक तो नवीन ओ एट ट्वेंटी टू बहुत ही एंटाइसिंग लग रहे हैं मुझे एस पहले बोलिंग करते हुए अगर आप एक्सपेक्ट करें कि एक विकेट भी लेंगे एक कैच ले लें साथ साथ या पांच रन बना दें विद दे बैट तो आपका काम वहीं पे हो जाएगा एंड नवीन ओ लक वेल बोलिंग फर्स्ट मिलेगा अच्छी पिक यहाँ पे बन के आ रहे हैं उसके अलावा क्योंकि अफगानिस्तान के बोलर्स का कोटा मुझे यहाँ पे सर्टेन नहीं लग रहा इंडिया की बात की जाए तो मोहम्मद सिराज अगर अच्छे बोलिंग कंडीशन यहाँ पे तो एक अच्छी पिक बन के आएंगे उसके अलावा ज्यादा लोग कंसिडर नहीं करेंगे बट अक्षर पटेल भी बोलिंग सेकेंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक बन के आएंगे तो अभी के लिए ये रहे मेरे पिक्स एक्सचेंड ट्वेंटू आई होप आप सभी को ये प्रीव्यू पसंद आए हो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ ऑन टेलीग्राम फॉर द फाइनल टीम्स एंड अपडेट्स रिमेंबर टू इन द कमेंट्स आपको क्या लगता है कितने रन मारेंगे अच्छे बम दूबे एंड लाइक कॉमेंट शेयर जरूर करेगा ताकि ये कॉन्टेंट और लोगों तक पहुंच पाए जल्दी मिलेंगे एक और प्रिव्यू के लिए थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट